हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्पेनिश ऑमलेट। इसके लिए मैंने चार अंडे लिया, गाजर और एक बड़ा साइज के आलू मैंने पीस पीस करके काट लिया, एक टोमेटो, एक बड़ा साइज की प्याज, दो हरी मिर्ची। अब अंडा फेंट लेते इसमें। और डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्ची। अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करके हम एक साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया और अभी इसमें डाल के फ्राई करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा से मोटा है, इसको फ्राई होने में टाइम लगेगा। पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। प्याज और टमाटर अभी इसमें डालेंगे। और डालेंगे हाफ टी स्पून से कम नमक। पहले भी मैं अंडा में नमक डाला था, इसलिए हाफ टी स्पून गरम मसाला। गरम मसाला का डालने से क्या होता है, ऑमलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम सॉफ्ट होने तक ढक के कुक करेंगे। 4 मिनट कुक करने के बाद ये सारी सब्जी सॉफ्ट हो गया। अब हमें इसे निकाल लेना है गैस ऑफ करके, हम इसे निकाल लेंगे। 3-4 मिनट मैंने ये मिक्सर को ठंडा होने दिया। आप सारे चीज हम फटे हुए अंडे में डाल देंगे। डाल के इसे मिक्स करेंगे। आप डालेंगे 1 टेबल स्पून चीज। एक मिनट, ये मेरा लिक्विड चीज है, इसलिए मैंने अभी ये मिक्सर में डाल दी। आपका पास अगर सॉलिड चीज है तो आप ग्रेट करके डाल दीजिए, जो ओवन में जब हमने पेस्ट डालेंगे उसका ऊपर ग्रेट करके डाल देना है। देखिए, मेरे इस चीज से अच्छे से मैं मिक्स कर लेंगे। मैं उसी पैन को गरम के लिए बैठे दिया। आप डाल दिया और 1 टेबल स्पून ऑयल। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें बैटर को इसमें डाल देना है। डाल के इसे ऐसा अच्छी तरह स्प्रेड करके इसे हम 5-6 मिनट ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो गया, हम अभी इसे पालट लेंगे। तो पालट लेंगे कैसे, मैंने गैस को ऑफ कर दिया। मैं इसी तरह फ्लिप ऑमलेट को फ्लिप कर लिया। अभी इसी कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डाल के ऑमलेट को फिर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गया, एक मैं चम्मच डाल के देखती हूँ, क्लीन आ गया। इसका मतलब मेरा ऑमलेट रेडी। मैं गैस ऑफ करके इसे निकाल, ये देखिए हमारा स्पेनिश ऑमलेट एकदम सा रेडी है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इसे जरूर एक बार घर पे बनाइए। मैं देखिए एक पीस काट के दिखा रही हूँ कितना फ्लॉपी बना है। तो ये ऑमलेट आप जरूर घर पे बनाइए, और मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मेरा अगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।